मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ में ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने वाले दो आरोपियों को माचलपुर पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा व एक मोटरसाइकिल सहित कुल कीमती 68,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा अवैध मादक पदार्थों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री मनकामना प्रसाद के निर्देशन में चीपुर श्री आनंद राय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माचलपुर जितेंद्र अजनारे द्वारा पुलिस अधीक्षक राजगढ़ के द्वारा उनके कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत मादक पदार्थ संबंधी अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने में सफलता प्राप्त की। हुकुम सिंह कांकरवाल को अपने विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई लाल काले रंग की हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल से मादक पदार्थ गांजे की डिलीवरी करने वाले हैं। यदि शीघ्र दबिश दी जाए तो सफलता प्राप्त हो सकती है। मुखबिर के बताए अनुसार झरनिया जोड़ माचलपुर गोघटपुर रोड पहुंचे, जहां मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के अनुसार दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा व नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम शाकिर अली मोहम्मद उम्र 25 साल निवासी वार्ड क्रमांक 15 शनि मंदिर के पन उम्र 24 साल निवासी वार्ड क्रमांक 14 आवास कॉलोनी जीरापुर थाना जीरापुर का होना बताया। पंचानों के समक्ष अवैध मादक पदार्थ गांजा को इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे पर तौला गया, जो कुल 1 किलो 300 ग्राम कीमती करीबन 18,000 रुपए का होना पाया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अवधेश कुमार गोस्वामी सर द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ के क्रय विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नकेल कसने हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 26/11/2022 को सौनी हुकुम सिंह काकरवाल को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि पकानी तरफ से दो व्यक्ति लाल काले रंग की हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल से अवैध मादक पदार्थ की गांजे डिलीवरी करने वाले हैं, जिसकी सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनकामना प्रसाद सर एवं SDOP महोदय श्री आनंद राय सर के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा झरनिया जोड़ माचापुर गोघटपुर रोड पर पॉइंट लगाया गया। पॉइंट लगाकर काफी देर इंतजार करने के बाद दो व्यक्ति मुखबिर बताए हुलिये के व्यक्ति आते हुए दिखे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनके कब्जे से एक प्लास्टिक का झोला मिला, जिसके चेक करने पर उसके अंदर अवैध देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।